हाय, मुझे अक्सर ये पेशेंट्स पूछते हैं कि वो अल्कोहल पीना कब शुरू कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के बाद। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सेफ टाइम टू ड्रिंक अल्कोहल आफ्टर योर सर्जरी। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो आप कब शुरू करेंगे। बट बिफोर यू मूव अहेड, आई वुड लव दैट ये आप वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके इसको वीडियो को बंद ना करें। एंड एट द सेम टाइम कमेंट बिलो, लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद एवरीबडी, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। सो लेट अस बिगिन एंड डिस्कस दैट अल्कोहल पीना कब सही है आपके ऑपरेशन के बाद। So there are a few factors which we have to consider when we discuss कि alcohol कब पीना चाहिए operation के बाद, because इसका कोई सीधा साधा straight forward answer नहीं है कि आप 5 दिन के बाद पियो या 10 दिन के बाद पियो। तो ये कौन कौन से factors हैं जिन पर depend करता है कि alcohol कब पीना शुरू करें या ना करें। सबसे पहली बात, disclaimer, मैं ये बताऊँगा कि इसका answer देने के लिए आपका जो doctor है, जिनने आपको operation किया है, वही best आदमी, तो आप उसकी permission के बिना alcohol पीना शुरू मत कीजिए। अगर आपको मैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ तो वो ये होगी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्कोहल अपने बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो शॉर्ट में मैं आपको ये समझा दूँ कि दो टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हमें मेन प्रॉब्लम है उसके इमीडिएट इफेक्ट से, बिकॉज वो आपके सर्जरी के रिजल्ट और रिकवरी को काफ़ी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर वन, अगर आपने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया और साथ ही में आपकी कोई दवा भी चल रही है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी दवाइयों का और अल्कोहल का इंटरेक्शन हो जाए और वो दवाइयों की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको ज़्यादा एसिडिटी भी हो। ये दोनों कारण से आपकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो सकती है और काफ़ी आपको तकलीफ भी हो सकती है। सो वन गुड रीजन टू अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल आफ्टर योर सर्जरी इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। तो जब मेडिसिन आपकी पूरी तरह बंद हो जाए, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, अब मैं अल्कोहल पीना शुरू करूँ या नहीं, ये मैं अपने डॉक्टर को पूछ लूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इंजरी। कोई भी ऑपरेशन आपका हुआ हो तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको फिर से चोट लगे। अनवॉन्टेड इंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हैविंग अल्कोहल। इसी वजह से अल्कोहल पीना तब तक सही नहीं है जब तक आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी, ऑफिस जाना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, चलना, ये सब जब तक नॉर्मल नहीं हुआ है, तब तक आप मत सोचिए कि आप अल्कोहल पी पाएंगे। और अगर आपकी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, यानी कि कोई फ्रैक्चर की सर्जरी हुई है या आपका कोई जॉइंट्स के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि तब तक आप नहीं पी पाएंगे जब तक आप चलना फिरना नॉर्मली शुरू नहीं कर देते। सो द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज दैट इंजरी प्रिवेंट करने के लिए आप अल्कोहल कब तक नहीं पिएंगे, जब तक कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ अच्छे से पेन फ्री तरीके से कर नहीं पाते। थर्ड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज ब्लड थिनिंग। उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके की कारण ब्लीडिंग होना काफ़ी बढ़ सकता है। एंड जब आप अपने रिकवरी पीरियड में हैं, स्पेशली फर्स्ट 4 वीक्स, आप नहीं चाहेंगे कि अपने आपके वूंड में, आपके जो भी जगह पर ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पर किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो। सो दैट इज़ अ थर्ड स्ट्रॉन्ग रीजन दैट यू शुड अवॉइड अल्कोहल इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर योर सर्जरी। सो नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। यानी कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत समय से अल्कोहल पीते आ रहे थे, तो आपकी बॉडी की कंडीशन काफ़ी अलग होती है कंपेयर टू समबडी हु वॉज नॉट ड्रिंकिंग। और उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको होता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन यानी कि आपके बॉडी में विटामिन्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब की कमी हो जाती है जब आप बहुत समय से अल्कोहल पी रहे होते हैं, क्योंकि आपकी डाइट पोअर होती है, आपका न्यूट्रिशन पोअर होता है, कैलोरीज सही मात्रा में, न्यूट्रिशियस कैलोरीज नहीं जा पाती हैं। तो इसका नुकसान ये है कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, बिकॉज बॉडी के पास चीज़ें ही नहीं है आपके वुंड को भरने के लिए या घाव को भरने के लिए। इसलिए अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अल्कोहल पीते आए हैं और ऑपरेशन की वजह से आपने बंद किया और आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी उसके नहीं हो रहे, तो आप उसको बंद ही रखिए तब तक जब तक कि आपकी रिकवरी पूरी नहीं हो जाती है। अगर उसके लिए 2 महीने लगे तो 2 महीने, 6 महीने लगे तो 6 महीने। अब इसमें यह भी बात आ जाती है कि कुछ लोग अल्कोहल डिपेंडेंट होते हैं, जिनको अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं अगर वो बहुत समय से पी रहे थे और अचानक बंद कर दे, तो ऐसे लोगों को अलग से ट्रीटमेंट लेना चाहिए अल्कोहल विड्रॉल का। And they should take extra precaution कि वो दोबारा से किसी भी तरीके से अल्कोहल पीना शुरू ना कर दें जब तक एटलीस्ट उनकी रिकवरी ना हुई हो, क्योंकि अगर वो पीना शुरू करेंगे तो ना कि सिर्फ उनकी जो ऑपरेशन हुआ है उसको नुकसान होगा, बट ओवरऑल उनको मेंटल भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी उनकी अच्छा नहीं है। एंड दे मे ऑल्सो
land up in the hospital again because of physical and psychological effects of alcohol withdrawal. Now we have understood short term effects of alcohol and long term effects of alcohol. मैंने आपको सारे कारण समझा दिए कि आपको अल्कोहल से क्यों दूर रहना है और मोटा मोटा कितने हफ्तों तक दूर रहना है. नाउ अनदर फैक्टर टू कंसिडर बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज आपकी कौन से टाइप की सर्जरी हुई है. सब टाइप की सर्जरी सेम नहीं होती, अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है. मैं आपको जो 3-4 मेन कैटेगरीज है वो समझा दूंगा, उससे आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि आपको कब शुरू करना है और शुरू करना भी है या नहीं करना है. सबसे पहला है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, यानी कि हड्डी या किसी भी जॉइंट की अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो, इसमें आपको अल्कोहल से ज़्यादा समय दूर रहना है बिकॉज इन जगहों की हीलिंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है और यहाँ पे इंजरी हो जाए तो वापस से उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए अगर आपकी कोई भी फ्रैक्चर की या कोई भी जॉइंट की सर्जरी हुई है तो आप अल्कोहल से जितना हो सके उतना दूर रहिए, अपनी पूरी रिकवरी 100% हो जाने दीजिए, उसके बाद ही सोचिए अल्कोहल पीने के बारे में. सेकेंड इज सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, यानी कि जनरल सर्जरी. फॉर एग्जाम्पल आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, हिस्टरेक्टमी हुई है, सीजर इन्फेक्शन हुआ है वगैरह वगैरह. इन टाइप की सर्जरीज में इंजरी का आपको उतना डर नहीं रहता है तो आप अल्कोहल थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं. हाउ एवर आई विल स्टिल रिकमेंड टू स्टार्ट ओनली आफ्टर योर रिकवरी हैज़ हैपन्ड कम्प्लीटली, यानी कि आप पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है ऑपरेशन होकर ऑलमोस्ट 2-4 महीने हो गए, तब आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हो. थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्जरी इज कैंसर रिलेटेड सर्जरीज. नाउ कैंसर रिलेटेड सर्जरीज की प्रॉब्लम ये है कि आपकी दवाइयाँ कोई जल्दी बंद नहीं होने वाली, आपको काफ़ी समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी. तो आप ये समझ के चलिए कि आपका अल्कोहल से पूरी तरीके से नाता छूट भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको पीना दोबारा अलाउड ही ना हो. द लास्ट एंड द फोर्थ कैटेगरी इज स्मॉल एंड माइनर सर्जरी, जैसे कि किसी का कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि या कोई हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है, या कोई कोई छोटा वूंड लग गया था, कोई कट आ गया था, उसकी सूचर या स्टिचेस लगे हैं, तो ऐसे केस में आपको बहुत लंबे समय तक अल्कोहल से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने डॉक्टर को कुछ ही हफ्तों के बाद पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कोई घाव है वो पूरी तरह भर गया है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप हल्का हल्का धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं. अल्कोहल कितना पीना चाहिए, कितना सेफ है अल्कोहल पीना, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, मैं उसको ऊपर लिंक कर दूंगा. अब अगर अल्कोहल की बात चली रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दो इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जिनसे आपको दूर रहना है. वन इज बिंज ड्रिंकिंग. बिंज ड्रिंकिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल पी लेना, इतना अल्कोहल पी लेना जो कि आपकी बॉडी हैंडल ना कर पाए बहुत ही कम समय में. नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट एंड इट विल मोर ऑफन देन नॉट लैंड यू इन द हॉस्पिटल, क्योंकि लोगों की अल्कोहल पे कंट्रोल नहीं रहती जैसा कि हम सब जानते हैं, तो वो फटाफट बहुत सारा पी लेते हैं और एक टाइम आता है जबकि उनसे हैंडल नहीं हो पाता, तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनली. अनदर हैबिट दैट यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट फॉर इज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत समय से अल्कोहल पीते आ रहे हैं, आपको पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है बट अब आपको रियलाइज हुआ है, तो प्लीज़ गो एंड टेक ट्रीटमेंट फॉर दैट. योर सर्जरी, योर ट्रीटमेंट इज अ गुड ब्रेक, इज अ गुड एक्सक्यूज फॉर यू टू गिव अप योर अल्कोहल रिलेटेड हैबिट्स. सो आई होप दिस वॉज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड इट आंसर्ड योर क्वेश्चन सफिशेंटली कि अल्कोहल कब पीना चाहिए आपकी सर्जरी के बाद. इससे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ और पूछना चाहेंगे, कोई और बात करना चाहेंगे, तो आप बेशक कमेंट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए एंड लिव हेल्दी लिव स्मार्ट.